नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। खबरें सबसे पहले आप। आज के टॉप हेडलाइंस है, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू, ब्रिटेन ने दी हरी झंडी। पॉप फ्रांसिस का अजीब दावा, भोजन और सेक्स ऐसा दिव्य आनंद है जो सीधा ईश्वर से पहुंचता है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने पत्रकारों पर हमलों की निंदा की। रूस, चीन और ईरानी हैकरों के निशाने पर अमेरिकी चुनाव। बहरीन और इजराइल के बीच सामान्य होंगे राजनयिक संबंध, ट्रंप ने की मध्यस्थता। मोटापा और डायबिटीज वाले कोरोना मरीज में मौत का खतरा अधिक। चीन के रुख पर टिकी भारत की नजर, पीएलए के हटने के बाद ही पीछे आने पर विचार करेगी भारतीय सेना। कांग्रेस ने फेरबदल में दी उत्तर प्रदेश के नेताओं को तर्जी, ब्राह्मणों को शामिल कर संदेश देने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एम्स में हुए भर्ती। कंगना रनौत ने खड़ा किया नया विवाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को रावण बताने वाला मीम किया शेयर। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी, आज बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं को देंगे सौगात। किसान चाची पद्मश्री राजकुमारी देवी से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। किसान संवाद, पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी, जेपी नड्डा। बिहार में बीजेपी को विपक्ष से ज्यादा सरकार विरोधी माहौल का डर, हर सीट पर पूरी ताकत झोंकेगी। बिहार में सांस में संक्रमण से सर्वाधिक 165 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। कटिहार के सहायक थाना पुलिस ने हथियार पर खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, एसडीपीओ ने दी जानकारी। कटिहार में ईंट निर्माता संघ ने ईंट निर्माण में मिट्टी कटाई कानून में हुए संशोधन को लेकर सीएम को दी बधाई। कटिहार में भाजपा से नाराज होकर मंजय कुमार ने दिया इस्तीफा, कहा बड़े पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता मान सम्मान। कटिहार में कांग्रेस की बैठक में कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाखुश होकर लौटे, कहा बड़े नेता नहीं देते सम्मान। कटिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर इंटक अध्यक्ष ने विधानसभा पर्यवेक्षक को दिया बायोडाटा। पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर को कांग्रेस कमेटी में राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर कटिहार के कांग्रेसियों में हर्ष। कदवा विधानसभा में भाजपा युवा मोर्चा ने विधानसभा स्तरीय युवा महासम्मेलन आयोजित कर चुनाव का बिगुल फूंका। नक्कीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। एसपी कार्यालय में आईजी ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत पुलिस पदाधिकारियों के साथ लंबित मामलों को किया रिव्यू। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमबी न्यूज 27।